हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जयजीत में। आज हम देखने वाले हैं छुट्टियों में जो मिला है आपको प्रोजेक्ट कार्य, यानी अप्रैल में आपका जारी कर दिया गया था रिजल्ट। उसी के साथ में आपको प्रोजेक्ट दिया गया है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 2 प्रयास। जो प्रोजेक्ट कार्य 5वां देखने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए ये दिया गया है। गर्मियों में आपको भरना बिल्कुल अनिवार्य है, तो आपको अच्छे से भर लेना है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर देना है। 1 से लेकर 4 तक के प्रोजेक्ट कार्य में पहले डाल चुका हूँ, तो यहाँ पर 5वां कार्य डालने वाले हैं हम प्रोजेक्ट का, तो इसका सर्वेक्षण देखेंगे। यहाँ पर इसके संबंध में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप लास्ट में प्लेलिस्ट आएगी तो उस पर दबा के आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। एक साथ में सभी का सर्वेक्षण बिल्कुल क्लियर दिया गया है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर पहला, अब यहाँ पर 5वीं एक्सरसाइज दी है उसे को देखते हैं। तो अभ्यास नंबर 5वां क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ 5 एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स एंड कलर देम। यहाँ पर दिया गया 5 जानवरों वस्तुओं के चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो पहला हमारा यहाँ पर 5 चित्र बनाने हैं आपको और उनमें रंग भरना है। इसके बाद सेकंड दिया गया है राइट देयर नेम्स एंड 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम, यानी उनके नाम व प्रत्येक के बारे में 1 वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर 5 जानवरों या पशुओं के नाम जो भी आपको बनाना है तो यहाँ पर बनाएंगे बॉक्सों में, तो मैंने यहाँ पर बना के रखे, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये रहा हमारा पहला डाइग्राम, इसको देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर पहला डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये डोंकी का है, तो आप यदि नहीं बना सकते हैं या नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई ड्राइंग बुक होगी तो उससे निकाल कर आप यहाँ पर चिपका सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा 1 वाक्य लिखना है, तो आप इन दोनों में से कोई 1 वाक्य लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर हमारी बनी हुई है यहाँ पर डियर की, यानी हिरण का, तो इसके बारे में भी आपको 1 पॉइंट लिखना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोई से भी। तो डियर इज अ हेवरबियस एनिमल, इसका यहाँ पर लिख सकते हैं द डियर इज ऑफ मीडियम साइज, तो इसमें से आप कोई 1 टेंस लिख लीजिएगा 2 में से। इसके बाद तीसरे जानवर का देखते हैं यहाँ पर, तो ये रहा हमारा तीसरे और चौथे जानवर का चित्र। तो यहाँ पर तीसरा जानवर जो हमारा है वो हॉर्स और चौथा टाइगर, तो इसके बारे में 1 पॉइंट लिखना है। अ हॉर्स हैज स्ट्रॉन्ग लेग्स, यानी घोड़ों की मजबूत टांगें होती हैं। हॉर्स रन वेरी फास्ट, यानी घोड़े बहुत तेज दौड़ सकते हैं, इनमें से 1 पॉइंट कोई लिख लीजिएगा। इसके बाद टाइगर के बारे में क्या है, टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर लिव्स इन डेंसेज फॉरेस्ट्स, ठीक है। यहाँ पर दिया है गुफाओं में रहता है, और यहाँ पर ये जंगली जानवर है, तो इसके बारे में आप 1 पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद अगला चित्र बना हुआ है हमने किताब का, तो आपको 1 किताब का चित्र बना लेना है। इसमें लिखना है आई एम रीडिंग बुक, ठीक है। यहाँ पर देख सकते, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या दिया जाएगा इसमें, तो इसमें हमें कोई 8 भरना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। मेक अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्टेड बाय फार्मर्स, यानी यहाँ पर हमें 8 फसलों के नाम लिखने हैं जो किसान उगाते हैं, यानी किसानों द्वारा उगाए जाने वाले 5 अनाजों के नाम सूची बनाकर लिखिए। तो पहला हमारा है गेहूँ, यानी व्हीट, WHEAT, व्हीट, व्हीट यानी होता है गेहूँ। दूसरा हमारा है कॉर्न, कॉर्न यानी होता है अनाज, आप कॉर्न की जगह पे आप भुट्टी को भी बोलते हैं, उसे मक्का भी बोलते हैं, मैज भी लिख सकते हैं आप, MAZE, स्पेलिंग बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर मैज भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर मस्टर्ड हो जाएगा, मस्टर्ड यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन ग्राम, ठीक है, ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम का मतलब होता है हरे चना, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे। में नंबर यहाँ पर हमें लाइन से भरना है, तो आप लाइन से भर लीजिएगा जिस प्रकार से मैंने भरा। यहाँ पर पैडी हो जाएगा, यानी धान होता है, यहाँ पर पी यानी होती मटर, ग्राम यानी चना होता है, और ग्राउंड नट यानी होता है आपका यहाँ पर मूंगफली। तो यहाँ पर कोई 8 ही लिखने, तो यहाँ पर 8 के आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखना है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य दिया है आई एम अ स्टूडेंट, यानी मैं एक छात्र हूँ। दूसरा लिखेंगे आई स्टडी इन क्लास 7th, यानी मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। इसके बाद तीसरा लिखेंगे आई हैव 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेंबर में एस लगाएंगे, मेंबर्स। इसके बाद माय हॉबीज आर स्टडीइंग प्लेइंग रीडिंग। 5वां है आई कंप्लीट माय होमवर्क रेगुलरली एंड नेवर गेट लेट टू स्कूल। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट कार्य का भी हमने पूरा हल देख लिया है यहाँ पर। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लेलिस्ट मैंने लास्ट में आपको ऐड कर दी, तो आप वहाँ पर जाकर सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।